नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 31वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को 8 विकेट से हराया। पंजाब की ये इस सीजन की दूसरी जीत है। टीम को आईपीएल 2020 की पहली जीत भी बेंगलोर के खिलाफ ही मिली थी। कप्तान केएल राहुल और इस सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे क्रिस गेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई। केएल राहुल को उनकी नॉट आउट 61 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो वहीं आरसीबी की टीम को अपनी तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। जीत के बाद कप्तान केएल राहुल काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने टीम के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल की तारीफ करते हुए उन्हें भूखा शेर बताया। बता दें, आरसीबी के खिलाफ मिली जीत के बाद केएल राहुल ने कहा, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि मेरी हार्टबीट जितनी तेज हो सकती थी वो थी। मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। हम जानते थे कि इस मैच में हमको हर हाल में जीत दर्ज करनी है। पॉइंट टेबल में हमारी जो स्थिति है उससे हम कई गुना बेहतर साइड में हैं। ये मुकाबला काफी करीब गया, लेकिन खुश हूँ कि इससे अपने नाम करने में कामयाब रहे। हम एक ग्रुप के तौर पर काफी निराश हैं। लगातार मिल रही हार से आप परेशान हो जाते हैं। हमारी स्किल काफी अच्छी है, लेकिन हम मौका पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं। जीतना और ना जीतना एक आदत बन जाती है। बतौर टीम का कप्तान, ये मेरा पहला सीजन है और मैं हर मैच में जीत दर्ज करने की तरफ देखता हूँ। मेरी अपनी खुद की परफॉर्मेंस मेरे लिए मायने नहीं रखती है। इस सीजन में अपने मैच में टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिस गेल के बारे में केएल राहुल ने कहा, वो पिछले कुछ हफ्तों से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन वो 41 साल की उम्र में भी काफी भूखे हैं। वो पहले दिन से ही खेलना चाहते थे। गेल को टीम से बाहर रखना काफी मुश्किल फैसला होता है, लेकिन ये जरूरी है कि शेर को भूखा रखा जाए ताकि वो बल्लेबाजी करने उतरे तो काफी खतरनाक दिखाई दे। वो खुद इसको एक चैलेंज की तरह देखते हैं। वो अब भी काफी डराने वाले शख्स हैं। बता दें, सारजा में खेले गए इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और कप्तान विराट कोहली और क्रिस मॉरिस की आखिरी के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत लाजवाब रही और कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने पहले विकेट के लिए मिलकर 78 रन जोड़े। मयंक को चहल ने बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे क्रिस गेल ने आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। हालांकि मैच का आखिरी ओवर काफी रोमांचक रहा, जहां पंजाब को 2 रन बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन निकोलस पूरन ने मैच के आखिरी गेंद पर 6 लगाकर टीम को जीत दिला दी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।